ओके स्टूडेंट, तो आपके एग्जामिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दो केस है, एक केस है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट और एक केस है आपका वोलाटाइल सॉल्यूट। अभी वोलाटाइल सॉल्यूट को हम लोग हटा दे रहे हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं अभी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मतलब ऐसा सॉल्यूट जो वेपर नहीं बनाता है। तो उसके लिए रॉल्स ने क्या स्टेटमेंट दिया था, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए रॉल्स का स्टेटमेंट था कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, इस पूरे टर्म को क्या कहते हैं, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये रॉल्स का स्टेटमेंट था। इसी स्टेटमेंट को हम लोग को डिराइव करना है। इसी स्टेटमेंट के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। स्टेट एंड एक्सप्लेन रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर रॉल्स लॉ इन द केस ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो इस बात को हम लोग को प्रूफ करना है। यहां मैं फोर टर्म्स ले रहा हूं स्टूडेंट। एम क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। ए क्या बता रहा है, सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। फिर से देखिए, एम क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। बी क्या बता रहा है, सॉल्यूट। मैं स्टार्टिंग क्लास में आप लोग को बोला था, या जिन बच्चों का छूट गया है वो ध्यान से देख ले बच्चे, जब कभी ए अगर सिंबल कैपिटल ए लिखा हुआ है वो सॉल्वेंट के लिए है, और सिंबल अगर कैपिटल बी लिखा गया है तो वो सॉल्यूट के लिए है। तो इसीलिए यहां पर लिखा मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यहां क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। स्टूडेंट्स और देखिए, काई, काई क्या है, मोल फ्रैक्शन। ए क्या है, सॉल्वेंट, क्या लिखा मैंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। काई, काई क्या है, मोल फ्रैक्शन। बी क्या है, सॉल्यूट, तो क्या लिखा गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इस डेरिवेशन को, इससे जो दिए गए स्टेटमेंट है, इसी को हम लोग को डिराइव करना है। अब जरा सॉल्वेंट और सॉल्यूट में, दोनों में अंतर देखिए। ये क्या है, ये वोलाटाइल नेचर का है, मतलब ये वेपर बनाएगा लेकिन ये वेपर नहीं बनाएगा, है ना, मतलब ये वोलाटाइल नेचर का है और ये नॉन वोलाटाइल नेचर का है। सॉल्वेंट वोलाटाइल नेचर का है, सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल नेचर का है, मतलब ये वेपर का फॉर्मेशन करेगा और ये वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो देखिए यहां से क्या स्टेटमेंट है, देखिए मैं यहां से लिखने जा रहा हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का, तो सॉल्यूशन किस किस कंपोनेंट के मिलने से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बनता है। अब ये तो वेपर नहीं बनाएगा, यही वेपर बना रहा है। तो अगर आप सॉल्यूशन में देखना चाहते हैं कि कौन वेपर बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ सॉल्वेंट वेपर बना रहा है। वेपर प्रेशर कौन लगा रहा है, सॉल्वेंट ही वेपर प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलाटाइल नेचर का है, ये तो वेपर बनाता ही नहीं है। तो जब ये वेपर बनाएगा ही नहीं तो ये तो वेपर प्रेशर भी क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन ये सॉल्वेंट जो है ये तो वेपर बना रहा है। ये अगर वेपर बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वेपर प्रेशर इसी के द्वारा क्रिएट किया गया होगा। तो जितना ज्यादा सॉल्वेंट का अमाउंट होगा, वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो यही लिखा गया है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट जितना ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट जितना ज्यादा होगा, वेपर उतना ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। मैंने क्या लिखा, सॉल्वेंट का अमाउंट जितना ज्यादा होगा वेपर उतना ज्यादा बनेगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, आपको पता होगा कि जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो वहां पर इक्वल टू और कॉन्स्टेंट आता है। कॉन्स्टेंट के फॉर्म में हम लोग यहां पर पी नॉट ले लिए, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ले लिए कॉन्स्टेंट के फॉर्म में, इनटू काई ए। अब मोल फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था पहले क्लास में, स्टार्टिंग क्लास में मैंने बताया था कि मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसका मोल है, मतलब मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल बाई टोटल मोल। किसका मोल फ्रैक्शन है, सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का मोल बाई टोटल मोल, टोटल मोल क्या हो जाएगा, Na+Nb, Na+Nb, सही है। अब देखिए स्टूडेंट,
लेफ्ट हैंड साइड में भी वेपर प्रेशर है, राइट हैंड साइड में भी वेपर प्रेशर है, तो मैं क्या कर रहा हूं, वेपर प्रेशर सेम टर्म को मैं एक साइड कर दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू, इधर क्या बच गया, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। अब मैं ध्यान दीजिएगा, अब मैं दोनों साइड वन से माइनस कर दे रहा हूं, जितना चेंज इधर कर रहा हूं उतना ही चेंज इधर कर रहा हूं, तो वैल्यू तो सेम रहेगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड वाले टर्म को वन में से माइनस कर दे रहा हूं, तो वन माइनस पी एस बाई पी नॉट, उधर भी मैं यही काम कर रहा हूं, वन माइनस एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हाँ जी, जब इस टर्म को आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल्स टू, इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एन ए प्लस एन बी, ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं, छोटा क्लास का मैथ है, सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये टर्म निकल के आएगा। अब देखिए ये एन ए और यहां प्लस एन ए और माइनस एन ए, ये टर्म कैंसिल हो गया, तो अब देखिए स्टूडेंट यहां से क्या बचा, मैं यहां से मिटा रहा हूं इसको, इसका मुझे कोई जरूरत नहीं है, जरा देखिए आप यहां से, इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, पी नॉट माइनस पी एस, नीचे पी नॉट इक्वल टू, उधर क्या बचा, ऊपर में बचा सिर्फ एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी को हम लोग सॉल्व करके स्टूडेंट यहां से क्या लिख सकते हैं, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ये तो देखिए मोल्स का रेशियो है, किसका मोल्स है, ऊपर में सॉल्यूट का मोल बाय टोटल मोल, तो सॉल्यूट का मोल बाय टोटल मोल, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अरे मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी का भी, जैसे अगर हमको मान लीजिए कि सॉल्वेंट का अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सॉल्यूट का मोल बाय टोटल मोल निकालते थे, अगर मुझे सॉल्यूट का, ये तो सॉल्वेंट का था, अगर मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट का मोल बाय टोटल मोल, ऐसे ही करते थे स्टूडेंट। तो देखिए, तो इस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी की जगह में हम लोग काई भी लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म की जगह पे हम लोग काई भी लिख सकते हैं, और जब आप इस टर्म को आप अगर मिलाएंगे तो बिल्कुल नीचे वही लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि द रिलेटिव लोबरी ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ये था इसका आपका डेरिवेशन। अब देखिए, मैं इसी को यहां से एक्सटेंड कर रहा हूं, यहां से मैं, ये तो आपका डेरिवेशन हो गया, अब इसी का मैं यहां से मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा, ताकि हम लोग यहां से न्यूमेरिकल वगैरह भी सॉल्व कर सके। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट, वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में से किसका ज्यादा है, ये बात समझ में आ गया। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, और रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कैसे डिराइव करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां पे आता हूं टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, आइए इस बात को समझ लेते हैं।